मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की घोषणा की। राज्य में धान उपार्जन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सभी धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य में फिलहाल धान उपार्जन के लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो कि 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। सरकार के इस बदलते पैटर्न को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि पिछले साल 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई, लगातार कई संगठन 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे थे। किसान मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सभी किसान संगठनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से 1 नवम्बर से राज्य में धान खरीदी करने का जो मांग लगातार कर रहे थे हम, और उसको कल मुख्यमंत्री भूपेश जी ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने का जो घोषणा किया है, उसका हम सभी किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से उसका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।